आज मैं गुथे हुए आटा की बहुत बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सुबह रोटियों के लिए आटा बचा था तो गुथा हुआ आटा ले लिया है। थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसे मॉइस्चर आ जाए। लोई बना करके बर्तन लगा करके इसको रोटी के जैसा पतला बेल लेंगे और इसके सर्कल कट कर लेंगे और इनके दोनों भाग को आपस में जोड़ेंगे किनारों को और दूसरी तरफ से इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से सारी डिजाइन बना करके तैयार कर लेंगे। पानी गर्म होने के लिए दिया है, नमक डालेंगे, तेल डालेंगे और इन सभी मैक्रोनी को डाल करके 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। जो मैक्रोनी है उबल चुकी है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा, हरी मिर्च, प्याज डाल करके हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और इनको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। साथ में हम टमाटर डालेंगे, ढक करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जियां पक चुकी हैं, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, पास्ता मसाला डालेंगे, आप यहाँ पर गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। सभी को मिक्स करेंगे और अपनी होममेड मैक्रोनी डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। लीजिए, तैयार है हमारी बहुत बढ़िया होममेड मैक्रोनी। आप भी इंजॉय करें गुथे हुए आटा की रेसिपी का।